है, या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, चार लोग, हम दो लोग हैं। പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ലംഗിപ്പൂർ ഖേരിയിൽ നാല് കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ മരണപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ പോകവെ യാത്രാമധ്യേയാണ് യു പി പോലീസ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും കൂട്ടരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സമരക്കാർക്കിടയിലേക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു കയറിയാണ് നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ വാഹനം ഓടിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ്കുമാർ മിശ്രയുടെ മകൻ ആഷിഖ് മിശ്രയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടും അജയ്കുമാർ മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇന്നലെ യാത്രാമധ്യേ പോലീസ് അതിക്രമിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒമ്പതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका है, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे? भैया छोड़ो उनको, बैठेंगे बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे? हमें ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते वो चीज करो ना, फिर निकालो। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ, और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। तुम क्यों इनको आगे कर रहे हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिलाओं से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी, और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? लखीमपुर में किसान नरसंहार हुआ है, आप जा रही हैं मिलने, आपके मन में क्या भावनाएं हैं अभी? देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है, और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है, किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। पुलिस ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया, आपके कार्यकर्ताओं को वहां रोकने की कोशिश की, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी? जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है, छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है?